नमस्कार दोस्तों दोस्तों सेथ रॉलिंस ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप को एक बार फिर से अपने नाम कर लिया है और वे पूरे WWE में केवल इकलौते ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने दो बार ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप जीती है। दोस्तों सेथ रॉलिंस ने मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैसली को पटकनी देते हुए उनसे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप जीत ली। असल में बॉबी लैसली पहले मैच से इंजर्ड हो चुके थे क्योंकि उन्हें ब्रॉक लेसनर द्वारा खूब पीटा गया था। उसके बाद वे कम्पीट करने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु सेथ रॉलिंस ने उन्हें कहा कि क्या वे फाइटिंग चैम्पियन हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ वे एक फाइटिंग चैम्पियन है। और सेथ रॉलिंस ने इंजर्ड बॉबी लैसली को अपना फिनिशिंग मूव देकर 1 2 3 किया और वे बन गए नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि सेथ रॉलिंस ने अपना दूसरा टाइटल भी ब्रुकलिन में ही जीता है और उन्होंने अपना पहला यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी ब्रुकलिन में ही जीती थी। दोस्तों ब्रुकलिन सेथ रॉलिंस के लिए एक बहुत ही लक्की जगह है। इस समय शील्ड के तीनों मेंबर्स के पास WWE में रिस्पेक्टेड ब्रांड के टाइटल्स है। दोस्तों हम सेथ रॉलिंस को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, वे इसी तरह और तरक्की करते रहें। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।